कई बार ऐसा होता है कि हम जब परीक्षा में पास नहीं होते हैं, प्रीलिम्स हम निकाल नहीं पाते हैं, तो कहा जाता है कि हमारा बैड लक होता है। मेरा मानना है कि माता पिता अगर आपके साथ हैं, वो आपके साथ हैं, तो बैड लक नाम की दुनिया में कुछ भी कोई चीज नहीं होती है। आवश्यकता हमें गुड लक की होती है, जो आपके माता पिता के साथ आपको मिल सकता है, आपके गार्जियन के साथ मिल सकता है। तो सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमें अपने मन से इस बात को निकाल देना है कि हमारा बैड लक होता है। ऐसा हो सकता है कि आपका जन्म ऐसी परिस्थिति में हुआ हो जहां पर पढ़ाई के अच्छे अवसर नहीं हुए, ऐसा हो सकता है वहां पे विद्यालय अच्छे नहीं रहे, ऐसा हो सकता है, ऐसा हो सकता है कि माता पिता ऐसी परिस्थिति में नहीं रहे हो जहां पर आपको अच्छे स्कूल में आपको पढ़ा सके। लेकिन फिर भी मेरा मानना है कि जब आप 18 वर्ष से अधिक आयु के होते हैं, तो पढ़ाई ने आपने जो बचपन में जो पढ़ाई की है, क्लास 12 तक आपने जो पढ़ाई की है, उसका कोई विशेष महत्व नहीं रह जाता है। उसके बाद आपके पास 24 घंटे बचते हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यार्थी हमसे पूछते हैं कि हमें अपने रूम की सफाई भी खुद करनी पड़ती है, अपने कपड़े भी खुद धोना पड़ता है, अपना खाना भी खुद बनाना पड़ता है, ये सब कार्य मुझे 6 घंटे लगता है। तो 24 में से अगर 6 घंटे कम हो जाए तो 18 घंटे हमारे पास बचेंगे। और एक हमारा साथी ऐसा भी है जिसके पास जिसको ये सारे कार्य नहीं करने होते हैं, तो वो तो सफल हमसे ज्यादा हो जाएगा। मेरा मानना है कि ऐसा नहीं होता है। ये एक शब्द होता है मॉरल इंटीग्रिटी, जिसे हम लोग नैतिक ईमानदारी बोलते हैं, कि 24 घंटे के समय में से कितना समय का सदुपयोग आप कर पाते हैं। उदाहरण के रूप में मान लीजिए आपके पास 24 घंटे हैं और अगर आप 8 घंटे सोते हैं तो आपके पास 16 घंटे बचता है, और 16 घंटे में हो सकता है 6 घंटे आपको घर के काम करने पड़े, उसके बाद आपके पास 10 घंटे बचता है। उस 10 घंटे का जो सदुपयोग आप करेंगे, वह आपका साथी जिसके पास 16 घंटे बचे हैं वो नहीं कर पाएगा, क्योंकि वो कम्फर्ट जोन एक शब्द होता है, वो हमेशा उसमें रहेगा और आप डिस्कम्फर्ट में रहते हैं, इसलिए आप तैयारी करते रहेंगे।